मेरे बच्चों, हम देखते हैं एक कदम का और मज़ेदार उसूल। यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने है कि 6 की कुव्वत 2 और कॉस की कुव्वत 3। इधर फोकस कीजिए आप, कॉस की कुव्वत 3। अब यहाँ पर हम इसको तौसी सूरत में समझने की कोशिश करेंगे। 6 कुव्वत 2 इसकी कुव्वत 3, यानी 6 कुव्वत 2 कितने मरतबा? 3 मरतबा। 6 कुव्वत 2 ज़र्ब 6 कुव्वत 2 ज़र्ब 6 की कुव्वत 2। अब चूंकि असास यकसा है इसलिए हमने 6 लिख दिए, और कुव्वतों की अगर कुव्वतनामा आदाद की ज़र्ब हो जिनके असास या कायदे यकसा हो, तो कायदे यकसा होने की सूरत में कुव्वतनामा आदाद में कुव्वतों की क्या होती है? जमा होती है। अब यहाँ देखें, हम 6 की कुव्वत 2, 2 में 2 मिलाए 4, 4 में 2 मिलाए 6, 6 की कुव्वत फिर 6 आ गई। ये कैसे हुआ? अब आप इन दोनों में ताल्लुक देखने की कोशिश करो कि 6 की कुव्वत 2 और कॉस की कुव्वत 3, इन दोनों में कौन सा अमल हुआ होगा कि यहाँ 6 आए? तो इन दोनों में ज़र्ब का अमल हुआ होगा। यहाँ पर हमने जिसको इस तरह से लिखे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 6 की कुव्वत 2 ज़र्ब 3, क्योंकि 2 को हम 3 मरतबा लिख रहे हैं, और किसी अदद को बार 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 जमा करने का मुख्तसर तरीका यह है कि वो कितनी मरतबा जमा किया गया है उतने से उसको ज़र्ब दे दिया जाए। यानी यहाँ हमने इसको ज़र्ब दे दिए, तो अब ये नतीजा यह खस हुआ कि अगर a की कुव्वत m cos की कुव्वत n हो, तो a की कुव्वत m ज़र्ब n होगा। ये कुव्वतनुमा का एक उसूल है। यानी अगर कुव्वतनुमाई अदद की कुव्वत हो, तो कुव्वतनुमाई अदद की कुव्वत का उसूल यह है कि उनकी कुव्वतों की ज़र्ब होगी।